अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और आज व्लॉग बनाया जा रहा है अयूब पार्क में, और अयूब पार्क रावलपिंडी में वाकिया है, और जो लोग नहीं जानते वो जान चुके होंगे। और बाकी बड़ी अच्छी जगह है, रोड से लेकर देखा जाए तो लगता है कि जैसे हम नथिया गली की गलियों में फिर रहे हैं। लेकिन कहाँ से लगते हैं ये पार्क कहाँ से लगते हैं, मुझे नहीं लग रहा। और मामू के साथ आए हैं, और आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को मिलवाते हैं अपनी नानो से। ये मेरी सबसे छोटी नानो है और बहुत ही प्यारी नानो है। मिले मेरी नानो दादो से, और इनसे तो आप मिलते रहते होंगे फिया व्लॉग्स में। और ये मेरी नानो लगती हैं, वो मामू, तो आपको सारा रिलेशन समझ आ ही गया होगा। और हम सारे इधर फैमिली आई हुई है एंजॉय करने। ये सारा यू पार्क है, और यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ इधर दिल चाह रहा है कि मैं क्रिकेट खेल लूँ। ये देखिए है ना मैदान, फिर आइए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि मैं किसके साथ खेलूँ खुद ही बताएं। और हाँ, एक बात है, कुछ स्लोमोज वगैरह बना लेंगे इधर हम, और आगे कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो देखते जाइए क्या होता है। तो व्यूअर्स, अयूब पार्क में बारिश हो चुकी है, आज की ताज़ा खबर। और खैर, ये मैं ख़बर आपको देने के लिए नहीं कैमरा उठाया, मैंने इसलिए बताना था कि मैं ऐसे वॉक कर रहा था। ये देखें, ट्रैकिंग जगह भी बहुत प्यारी सी बनाई गई है, लेकिन क्या चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो तो दिखाएं हम। ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रह चुके हैं, इसे हम, ये मेरे बहुत ही, ये हमारे पालतू शेर होते थे, पता नहीं अचानक किसी बात से इसे शौक लगा और ये पत्थर का बन गया। और अब इसकी ज़बान बाहर ही बाहर रह गई, शायद खाने की उम्मीद में था। और बेसिकली ये है पानी देने की शायद कोई जगह, क्योंकि ये देखें सुराख भी है इसमें, कहाँ गया। हाँ, ये शेर का हमने आपको पूरा रिव्यू दे दिया। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरह चलते जाएं, तो ये देखें, यहाँ हमें एक और शेर भी मिल गया, और इस तरह आगे भी बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये सारे कुछ ऐसा निज़ाम है, सारे आगे फैमिली जा रही है, हम पीछे पीछे। और मिल गया, मिल गई एक और शेर की खोपड़ी मिल गई हमें, और वो इसी तरह बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये देखिए तितली, क्या बात है जटक, क्या बात है। ये खोपड़ी बेचारी रह गई, और इसका बहुत ही बुरी हालत से इसका कत्लोआम किया गया है। बाकी खैर खैरियत है, इधर काफ़ी शेर के वो काटे गए हैं। बाकी मौसम बारिश वाले, पता नहीं आपको दिख रहा है कहीं से या नहीं। और मेरी मामी जान ब्लॉग करते हुए, अभी आपको मैंने एक निशान बताया है। इस तरह के बहुत से निशान रास्ते में हमें देखने को मिल गए, जैसे मैंने आपको पहले तितली दिखाई, और अभी मेरी नानू जान ने शेर, पता नहीं क्या चीज़ है ये, आई थिंक घोड़ा है। और ये निशानियाँ, एक्वेरियस की जो निशान आपने देखा वो मेरा स्टार है, और ऐसी बस पता है, तो मैंने कहा चलो मिल गया, आप लोगों को भी दिखा दिया। मेरी 26 जनवरी को बर्थडे होती है, आप लोगों ने याद रखना है और मुझे विश करना है, क्योंकि आज कोई दिसंबर की क्या डेट चल रही है वो तो आपको ब्लॉग देखने भी पता चलेगा कि आप लोगों के लिए क्या डेट है। और चलते जाएं व्यूअर्स, बारिश हो चुकी है, उन लोगों ने छाता जैसे पकड़ा हुआ है और छतरी, और मेरे मुंह पे आपको टके की बारिश नज़र नहीं आनी, क्योंकि मेरे मोबाइल पे सारी बारिश गिरी हुई है। और पता नहीं क्यों नहीं नज़र आ रही, आप लोग कहोगे गप मार रहे हैं तो सही है, फिर हम गप मार रहे हैं। और पता है मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखें दरख्त मज़ेदार, ऐसे झाले पुराने दरख्त नहीं होते, हम उसमें से गुज़र के आ गए। और आपको एक सबमरीन दिखाते हैं,
ये देखें सबमरीन, वेला हूँ ना, कितना वेला हूँ मैं कसम से। नाजरीन गर्मी बहुत है, जून जुलाई अचानक मेरा आ चुका है। असल में बात ऐसी नहीं है, आपको पता ही है कि हम जैसों को नई जवानी चढ़ती है और फिर हमें स्टाइल और फैशन का बड़ा क्या कहते हैं सोच फिक्र आ जाती है। तो मेरा इस स्वेटर के साथ फैशन ज़रा मज़े का नहीं बन रहा था, तो थोड़े बहुत फैशन बनाने के लिए मैंने स्वेटर उतारा। लेकिन खैर मौसम अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए ठंड होगी और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। अल्लाह हमें बीमारियों से बचाए। वो बीमारी से याद आए, एक बीमारी बड़ी ज़ोर शोर से चल रही है। हम मास्क पहन लेते हैं आप लोगों के सामने, क्या आप लोग कहते होगे इस समय मास्क नहीं पहनता। हाँ नजर आया किसी को, सबमरीन शायद किसी, ये वही सबमरीन वाला रास्ता है सारा जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हमारे अबू जी आते हुए, ये हमारी गड्डी आ रही है। नाजरीन मेरी कारिस्ताने की वजह से वो सारे पानी में चले गए, इतने ठंडे पानी में, क्या इन्हें सर्दी नहीं लगती होगी? वो एक रह गई है, उसको हिम्मत नहीं हो रही। ये देखिए ऐसे एक सर्दी को लग गई 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 गई। दोस्तों ये देखिए, ये है वो शख्स जिसकी वजह से सारी आपको हम छोटी छोटी बतखें दिखाते हैं जो पहले से अंदर है। और ये चीज़ दिखी थी जो मैंने कहा था आप लोगों के कुछ दिख गया। ये सारी झील है इधर, शायद आई थिंक बोटिंग वगैरह होती है। ये पूरी, ये भी पीछे झील है और ये सारा यू पार्क है। ये यू पार्क के पता नहीं कितने ऐसे हैं, क्या क्या होता रहता है। तो ये बोट फॉर सेल है, आप लोगों ने जितने की भी लेनी हो बता दें, मैं आपको दिला दूंगा। 2 रुपए की मिल रही है, मैं दिला देती हूँ, सस्ता दाम लग गया। 2 रुपए भी नहीं है मेरे पास, वो आप दे दें तो मैं ले लो। माई चाचे मामू इज टेकिंग सम सिनेमैटिक शॉट्स। देखिए ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए आप इन्हें बुला सकते हैं। और किस नाजरीन कैसा लगा आप लोगों को मेरे कुछ शॉट्स जो लिए गए, और ये सारे बतख बगाने के बाद के थे जो मैंने बतखें बगाई। और खैर मज़ा आया, सॉरी अगर मैंने आप लोगों को तंग किया हो, इन्हें नहीं कह रहा बतख को, कह रहा हूँ अगर उधर तक उनका मेरा सॉरी पहुँच गया हो। और अब आई थिंक पूछता हूँ कहाँ जा रहे हैं मामू जान, हम कितने जा रहे हैं? अब यहाँ से जू और प्ले लैंड वाली साइड पे जाए। चलो फिर जू। व्यूअर्स हम आ चुके हैं प्ले एरिया की तरफ, और मेरे पीछे आपको झूले वगैरह दिख ही रहे होंगे, उधर भी पीछे हैं। और इसी के साथ हम जाएंगे ज़ू की तरफ भी, और आज हम आपको पूरे अयूब पार्क की सैर करवाएंगे। और लेट्स सी क्या क्या देखने को मिलता है। अभी तो मुझे ये जो हाथी के दांत ज़मीन से निकले हैं ना, वो आपको दिखाता हूँ। मेरे मामू कहते हैं गोल्फ की जगह, लग रहा नहीं है हाथी के दांत जमीन से निकल गए। लेकिन ये गोल्फ खेलने के लिए है, ये ना वो बनाई हुई है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ये ऑब्स्टेकल्स हैं और वो परेशानी। एक दांत ने मुझे काटा, और ये देखिए आपको ये आगे सुराख, आप शॉर्ट गोल्फ एरिया, गुड गुड। अब चलते हैं जू, एनिमल्स देखते हैं बच्चों।
अपनी आंखों खोलो, क्योंकि अब हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं एनिमल्स जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते और जू का एंजॉय मज़ा लेना चाहते हैं वो अब लेंगे इस वीडियो के ज़रिए। तो व्यूअर्स पता है क्या हो रहा है इतनी देर से, मेरे भाई लिए ये मेरे ऊपर गिरे जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा है। और अगर ये रुकावट ना होती ना तो मैं गया होता नीचे। वर्चुअल राइड का मजा है, ये क्या है? मैं आधा लेफ्ट साइड से दब चुका हूँ, मैं लेफ्ट साइड से पतला हो जाऊंगा अभी। और ये हमारा साथी है, मशहूर हो गया, सारे वीडियो बना रहे हैं, देखो। और आखिरकार तकरीबन मैं कोई 5 मिनट बाद सीधा हूँ, लेफ्ट साइड तो मेरी तबाह है, बिल्कुल ऐसे प्रेस हो चुकी है। देखते आगे क्या मिलता है, अभी आपको शायद कुछ चीज़ें बताएंगे हम। और क्या सीधा करना है, ये सीधा करना है, ठीक है। मज़ा आया नहीं आया? वर्चुअल रियलिटी का मज़ा है, पैसे जाया। और जी उतर गए हम, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा घूम रहे हैं, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। ये लो मेरा मास्क नीचे गिर गया था, हाँ पता नहीं उड़ के। और मैंने एक मास्क का नुकसान कर दिया, कॉपीराइट ना लग जाए उस गाने की वजह से। नाजरीन ये रहा वो मेरा प्यारा मास्क जो गिर गया, अब किसी के काम का नहीं रहा। व्यूअर्स हम लोग जू में थे, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि हमें मंडी मिल गई, तो सोचा अब थोड़ी खतरे ख़रीदारी कर लें हम बकरीद के लिए। तो आपको कुछ जानवर दिखा देते हैं, आप लोग पसंद कर लें कि आप लोगों को कौन से पसंद है। वो जी पीछे अगर आप देखें वो दुम्बा खड़ा है, ये कुछ बकरियाँ शक्रियाँ खड़ी हैं। तो मंडी अभी से लग चुकी है और फिर ख़रीदारी के करीब फिर रश बढ़ जाएगा और ये माल आप लोगों से निकल जाएगा। सो आइए काइंडली परचेज़ कीजिए, आपको जू में बकरियां मिल जाएंगी आसानी से। मैं झील के पास से गुज़र रहा हूं और आपको दुम्बे शुम्बे दिखाए, कुछ जानवर दिखाए, और बच्चों को ख़ास तौर पे मज़ा आता है इन चीज़ों से। और बड़े अक्सर कहते हैं कि क्या यार बोरिंग है ये, तो बताइएगा कमेंट्स में क्या हिसाब है। आइए चलते हैं अपने अगली मंजिल की तरफ, या तो मंजिल घर की तरफ होगी या तो कुछ देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या मिलता है। लाइट की कमी और ज्यादती हो रही है, क्योंकि मैं कभी दरख्त से नीचे से जाता हूँ और कभी दरख्त के ऊपर से जाता हूँ, तो ये काम हो जाता है।